हेलो दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल नलिनी श्रीहरन, जो जेल में सबसे लंबा वक्त बिताने वाली महिला भी है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। लेकिन रिहाई से पहले तक भी नलिनी खुद के बारे में यही कहती रही कि वो आतंकवादी नहीं है। नलिनी के पिता इंस्पेक्टर थे और माँ नर्स। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी नलिनी की माँ को पद्मावती नाम दिया था, क्योंकि नलिनी की माँ ने एक नर्स रहते हुए गरीबों की खूब सेवा की, जिसके चलते महात्मा गांधी ने उन्हें पद्मावती नाम से नवाजा था। नलिनी बेहद पढ़े लिखे मलयालम परिवार से थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी जिसके चलते वो गुनाह के रास्ते पर चल पड़ी? और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हत्या में आखिर नलिनी का रोल क्या था, और कैसे वो उस साजिश का हिस्सा बनी जिसने पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1967 में नलिनी का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ। तीन भाई बहनों में नलिनी सबसे बड़ी थी। नलिनी ने चेन्नई के इथिराज कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए पास किया था और सब कुछ सही भी चल रहा था। लेकिन साल 1991 में नलिनी की मुलाकात श्रीहरन उर्फ मुरुगन से होती है, जो श्रीलंका से था और एलटीटीई का कार्यकर्ता भी था। एलटीटीई मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिल। ये श्रीलंका में ही एक आतंकवादी संगठन था। दरअसल राजीव गांधी ने श्रीलंका में एलटीटीई के खिलाफ शांति सेना भेजी थी। इस कारण तमिल विद्रोही संगठन एलटीटीई उनसे नाराज चल रहा था, और इसीलिए संगठन राजीव गांधी की हत्या की योजना बना रहा था। और जब 21 मई 1991 के दिन चेन्नई के पास श्री पेरबंदूर में राजीव गांधी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तब एक महिला जिसका नाम धनु था बार बार उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजीव गांधी के गार्ड्स उस महिला को राजीव गांधी के नजदीक नहीं आने दे रहे थे। तब राजीव गांधी ने गार्ड से कहा था, उन्हें रोके मत, आने दीजिए। और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो महिला एलटीटीई की आतंकवादी थी, जो राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने नीचे झुकती है, और तभी वो अपने कमर में बंधे बम से विस्फोट कर राजीव गांधी और उनके आसपास 16 और लोगों की जान ले लेती है। टीम के दूसरे सदस्यों के साथ नलिनी भी वहां पहुंची थी। इसमें शिवरसन, सुभा, धानु और हरिबाबू शामिल थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद कई दिनों तक नलिनी मुरुगन के साथ फरार रही, लेकिन एक महीने के अंदर ही मतलब 14 जून 1991 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नलिनी को मुरुगन के साथ चेन्नई के एक बस स्टैंड से पकड़ लिया। लेकिन तब तक ही दोनों शादी कर चुके थे और नलिनी प्रेग्नेंट भी थी। इसके बाद 21 जनवरी 1992 को उसने जेल में बेटी को जन्म दिया। नलिनी की बेटी को उसकी माँ के पास जेल के अंदर ही 6 साल तक रखे जाने के बाद रिहा कर नलिनी की माँ के पास लंदन भेज दिया गया था। नलिनी की बेटी को उस वक्त जेल से रिहा किया गया जब 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट के ट्रायल में नलिनी को और 25 और दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने मौत की सजा का विरोध किया। यहाँ तक कि खुद राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल नलिनी की मौत की सजा को रद्द करने की अपील की थी, जिसके बाद 24 अप्रैल सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा घटाकर उम्र कैद कर दी थी। जेल में रहकर ही नलिनी ने 2009 में इग्नू से एमसीए पूरा किया। इस परीक्षा को देने वाले अन्य कैदियों में वह टॉपर रही। नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट को कई बार समय से पहले रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन ये सब अर्जियां खारिज होती गई। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फाइनली 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का फैसला सुना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।